हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने देखा होगा कि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यानी राष्ट्रीय चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज का जो ये वीडियो है उन्हीं प्रश्नों पर आधारित है, यानी आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय चिन्हों से रिलेटेड है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला यहां दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात क्या है। ऑप्शन आपके पास 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। तो यहां जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:3, 3:2। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट कर दिया गया है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है, समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने आप कभी देखिएगा, अगर आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अगर आप कभी बाजार से खरीद के लाते हैं या आपको कहीं दिख जाता है तो ध्यान से देखिएगा कि उसमें मध्य में जो चक्र बना हुआ है, धर्म चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, वो आपका गहरे नीले रंग का बना होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियां कितनी है, 20, 22, 23 या 24। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 24 तीलियां हैं। फिर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या पिंगाली वेंकैया ने। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन से हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पिंगाली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। फिर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, यानी नेशनल एंथम जो है अपने राष्ट्र का, अपने भारत का, वो कौन सा है, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसमें से बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जनगणमन। जनगणमन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान है। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी रचनाकार कौन है जनगणमन के, बंकिम चंद चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। तो कमेंट करके बताइए कौन सही हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान की रचना की है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय गान जनगणमन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, 1911 में कलकत्ता में, 1931 में कलकत्ता में या 1950 दिल्ली में या 1896 कलकत्ता में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय गान जनगणमन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगणमन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड या 59 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि टोटल टाइम जो लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में वो लगता है 52 सेकेंड। फिर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगणमन या हिंद देश का प्यारा झंडा या वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजनी नायडू। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या किया है, राष्ट्रीय गीत की रचना की है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है, 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या 90 सेकेंड। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 सेकेंड। ये नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि है वो है 65 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया, 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती या आनंद मठ। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंद मठ द्वारा, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से
संतूर वादन से या दिल्ली फिल्मी धुन से, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत से आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग को क्या किया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। और ये जो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है ये किसने बनवाया था, अशोक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी किस पशु का अंकन नहीं है ये पूछ रहा है, सिंह, सांड, घोड़ा या हिरण। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरण उसमें अंकित नहीं है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, एक, दो, तीन या चार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीन, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है उसमें आपके तीन शेर दिखाई देते हैं। फिर कह रहा है कि भारत का राज्य चिन्ह यानी अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें तो तीन शेर दिखाई देते हैं, लेकिन जो मूल स्तंभ है उसमें कितने शेर का वर्णन किया गया, कितने शेर अंकित है, दो, तीन, चार या पांच। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा चार। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है, विक्रमी संवत, शक संवत, कोल्लम संवत या ग्रेगोरियन संवत। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। फिर कह रहा है कि शक संवत जो है उस पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, वही पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है, चैत्र, बैसाख, माघ या कार्तिक। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला स्टार्ट होता है चैत्र से, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, तो ये सभी आपके महीने आते हैं सीरीज वाइज। फिर कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है, चैत्र, माघ, पौष या फागुन। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फागुन, फागुन के बाद ही आपका चैत्र आता है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह। तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। फिर कह रहा है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिंह, यानी बाघ से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था सिंह। फिर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यानी नेशनल बर्ड कौन सा है, तो हम सभी को पता है मयूर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। फिर आपसे कह रहा है कि किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं दिया गया है, सांड, ऊंट, घोड़ा या सिंह। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऊंट को स्थान प्राप्त नहीं है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 27 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कई ना कई बार पूछे जाते हैं, आप खुद ही एनालाइज कीजिए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 27 क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।